हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपके सुंदर से चेहरे पर दाग की तरह दिखने वाली पुरानी काली जिद्दी झाइयाँ हैं या काले दाग धब्बे हैं, तो आज उन्हें जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही सस्ता आपको घरेलू उपाय बताऊँगी मैं। फ्रेंड्स, ये एक होम रेमेडी है जो 100% आपके चेहरे की झाइयों को, दाग धब्बों को ख़त्म करने वाली है और आपके चेहरे के रंग को भी निखारने वाली है। तो आप इसे मेरे बताए अनुसार जो इस्तेमाल करिएगा, बिल्कुल नेचुरल है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसे बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो आपके किचन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी होम रेमेडी है, तो आप इसे इस्तेमाल करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर लूँगी एक आलू, एक पोटैटो, और मैं इसे छील लूँगी। अब फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आलू के बेनिफिट आपको इसमें क्या होंगे। आलू के बेनिफिट अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट में फ्रेंड्स, आलू के स्किन पर लगाने के अमेजिंग बेनिफिट हैं। आलू क्या करता है, इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे पोषक तत्व होते हैं जो स्किन को एक हेल्दी स्किन बनाते हैं। जैसे कि इसमें विटामिन सी होता है, बी होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ऐसे ऐसे तत्व होते हैं इसमें जो स्किन पर काली जिद्दी पुरानी झाइयों को, काले दाग धब्बों को, डार्क सर्कल को, कालेपन को, इन्हें ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। आलू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं फ्रेंड्स, जो स्किन को ब्राइट बनाने में हेल्प करती हैं। आलू स्किन को, स्किन पर जो लार्ज ओपन पोर्स होते हैं, बड़े बड़े रोम छिद्र होते हैं, उन्हें मिनिमाइज करता है, टाइट करता है स्किन को, झुर्रियाँ ख़त्म करता है, एंटी एजिंग के साइन को कम करता है। और आलू एक प्राकृतिक स्किन लाइटनर भी है फ्रेंड्स, जो स्किन के डार्क को कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट बनाने में हेल्प करता है। और देखिए, अब मैंने इसे कस लिया। अब मैं इसे एक छलने के द्वारा इसका जूस लेंगे हम, मैं उसे छान लूँगी। और अगर आप चाहें तो आप इसे कपड़े के द्वारा भी छान सकते हैं, कपड़े में ज़्यादा अच्छा छनेगा ये। तो फ्रेंड्स, एक बात और बताऊँगी, आलू में स्टार्च होता है, जो वाइट वाइट सा होता है वो स्टार्च होता है। स्किन को निखारने का काम वही करता है, स्किन की प्रॉब्लम को दूर वही करता है, स्किन के कोलेजन को बूस्ट करता है और स्किन को ब्यूटीफुल बनाता है, ग्लोइंग हेल्दी बनाता है। और फ्रेंड्स, आलू इतने सारे बेनिफिट देता है स्किन को, स्किन गोरी चमकदार और निखरी हुई दिखती है। और देखिए, अब मैं इसका जूस निकाल लूँगी और जो ये जूस निकलेगा हम इसे ही उपयोग करेंगे होम रेमेडी में। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा फेस पैक बनकर तैयार होगा, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट होंगे इसके। और ये देखिए, हमारा जूस तैयार हो गया। अब मैं आपको आगे बताऊँगी क्या करना है। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लूँगी चावल का आटा, 2 चम्मच चावल का आटा लूँगी। ये मैंने 2 जनों के हिसाब से बनाया है, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ले लेना। फ्रेंड्स, आप चाहे तो मार्केट का भी ले सकते हैं, मैंने घर में पीस के रखा हुआ है। ये क्या करेगा, इसमें स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन पर निखार लाने में हेल्प करती हैं। चावल में अमीनो एसिड, विटामिन्स भी होते हैं जो स्किन के दाग धब्बों को लाइट करके स्किन पर निखार लाने में हेल्प करते हैं। चावल में एंटी एजिंग गुण भी होते हैं जो स्किन पर पड़ी झुर्रियाँ, फाइन लाइन, इन सब को दूर करने में हेल्प करता है। और चावल फ्रेंड्स, स्किन से डेड सेल्स को दूर करके, स्किन के दाग धब्बों को ख़त्म करके, स्किन पर निखार लाता है, स्किन को चमकदार बनाता है। और जैसे देखा होगा आपने, कोरिया की महिलाएं, जापान की महिलाएं, उनकी स्किन कितनी गोरी, चिट्टी, चमकदार होती है, तो वो अपनी स्किन की देखभाल के लिए चावल ज़्यादा यूज करती हैं। और देखिए, अब मैंने इसे मिक्स करके 5 मिनट छोड़ दिया। 5 मिनट के बाद आप इसे दोबारा मिक्स करिएगा। ये हमने 5 मिनट इसलिए छोड़ा था ताकि अच्छी से सेट हो जाए। और अच्छे से मिक्स करके फिर आप इसे अपने चेहरे पर लगाइएगा, किसी ब्रश की सहायता से या हाथ से भी लगा सकते हैं। और अब मैं आपको अपने हाथ पर लगा कर दिखाऊँगी। फ्रेंड्स, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है इस फेस पैक का, अमेजिंग रिजल्ट है। वाकई विश्वास मानिए, आपके चेहरे पर जितनी भी काली झाइयाँ हैं, काले दाग धब्बे हैं, कितने भी पुराने हैं, और अगर आप उपाय कर करके थक गए हैं, तो आप एक बार इसे ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और देखिए, अब मैं हाथ पर लगाकर इसे अच्छी तरह से अपने चेहरे पर आप इसे लगाकर बहुत हल्के हाथ से आपको मसाज करनी है, सिर्फ 1 मिनट या 1.5 मिनट। बहुत हल्के हाथ से, अपना चेहरा छील मत लेना, बहुत हल्के हाथ से करना। और मसाज करने के बाद 10 मिनट छोड़ देना, और छोड़ने के बाद आप अपना चेहरा 10 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से धो लेना। बिल्कुल भी अपना चेहरा नहीं रगड़ना है, बहुत हल्के हाथ से धोना है। और जब आप धोएंगे तो आप पाएंगे बहुत निखरा हुआ कलर। मेरे हाथ का देखिए कितना प्यारा हो गया, मैंने तो एक बार ही हाथ पे लगाया है,
तो आपका चेहरा बिल्कुल ऐसे गोरा चिट्टा निखर के आएगा, आपकी झाइयाँ दाग धब्बे सब खत्म हो जाएंगे। विश्वास मानिए फ्रेंड्स, मैंने इसे खुद यूज किया है, मेरी फैमिली में एक मेंबर ने और यूज किया है, उसकी झाइयाँ चली गई हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि आपको भी इसका लाभ मिल सके। बहुत अच्छा है, तो आप इसे ज़रूर यूज कीजिएगा, ये ऑल स्किन टाइप है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप चाहे तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं अपने चेहरे पर, ये ऑल स्किन टाइप है और आप इसे हफ्ते में 3 दिन लगाइएगा। बस इसके बाद कोई भी साबुन या फेस वॉश मत लगाइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।